नमस्ते, मैं रजत हूं और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप का स्पेशल सेगमेंट पड़ताल। फेसबुक पर एक नौजवान की फोटो वायरल हो रही है। फोटो के साथ दावा किया जा रहा है कि इसमें दिख रहा आदमी उबैद उर रहमान है और उसे जामिया मिलिया इस्लामिया में CAA के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान आंसू गैस का गोला लगा था। दावा है कि गोला लगने से उबैद उर रहमान घायल हुआ और GB पंत अस्पताल में उसका लंबे समय से इलाज चल रहा था, अब उसकी मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि उबैद UP के डुमरियागंज इलाके का रहने वाला था। इस फेसबुक पोस्ट में उबैद के लिए शहीद शब्द का इस्तेमाल भी किया गया है। F अंसारी नाम की यूजर ने फेसबुक पर यह दावा पोस्ट किया है। इस पोस्ट को अब तक 2500 से ज्यादा बार शेयर किया जा चुका है। करीब 2000 यूजर्स ने इस पोस्ट पर रिएक्ट किया है और इस पोस्ट पर अब तक 5000 से ज्यादा कमेंट आ चुके हैं। हमने इस वायरल दावे की पड़ताल की। हमारी पड़ताल में यह वायरल दावा गलत निकला। ये सही जानकारी है कि उबैद उर रहमान नाम के नौजवान की मौत हुई है, लेकिन उनकी मौत की वजह जामिया प्रोटेस्ट नहीं है। हमने पड़ताल के लिए दावे में बताई गई जगह यानी बंजरवा गांव की पुलिस थाना डुमरियागंज से संपर्क किया। डुमरियागंज थाने के SHO KD सिंह ने उबैद उर रहमान की मौत की तस्दीक की। उन्होंने बताया बंजरवा गांव में 22 साल के नौजवान की मौत हुई है। 2 जनवरी 2020 को उसका जनाजा भी निकला है, लेकिन उबैद की मौत आंसू गैस का गोला लगने से नहीं हुई है, उसकी मौत चिकन पॉक्स की वजह से हुई है। SHO डुमरियागंज ने बताया कि उबैद की मौत दिल्ली में हुई थी, इसलिए दिल्ली पुलिस के साथ भी इस बारे में जानकारी साझी की गई है। साथ ही डुमरियागंज पुलिस खुद उबैद के घर जाकर इसकी तस्दीक कर लौटी है। SHO डुमरियागंज से मिली जानकारी के आधार पर हमने दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जोन के ACP जगदीश चंद्र से बात की। जामिया नगर और उनके आसपास का इलाका उन्हीं के अंतर्गत आता है। ACP जगदीश चंद्र ने बताया कि उबैद की मौत का जामिया में CAA के खिलाफ हुए प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं है। उबैद की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही थी। उसे 1 जनवरी को लोकनायक जयप्रकाश नारायण यानी LNJP अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहां इलाज के दौरान ही उबैद की मौत हो गई। ACP जगदीश चंद्र की बात को पुख्ता करती हुई बात LNJP अस्पताल ने भी कही है। LNJP के इमरजेंसी में आने वाले मेडिसिन विभाग यानी LNJP के मेडिसिन इमरजेंसी विभाग से दी ललन टॉप ने संपर्क किया। मेडिसिन डिपार्टमेंट के मुताबिक डेथ रिकॉर्ड में उबैद उर रहमान का नाम है। उबैद को 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात में करीब 1:20 पर LNJP लाया गया था। 3:30 पर उसकी मौत हो गई। उसकी मौत की वजह चिकन पॉक्स है। उबैद के शव को LNJP से अब्दुल आलिम लेकर गए थे। हमने उनसे भी बात की। अब्दुल ने बताया कि उबैद बाटला हाउस इलाके में कोचिंग करते थे। वो जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट नहीं थे। वो 15 दिसंबर या उससे पहले और बाद में CAA के खिलाफ हुए प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए थे। उनकी तबीयत खराब थी। पहले होली फैमिली अस्पताल में भर्ती कराया गया था, बाद में LNJP लेकर गए थे जहां उनकी मौत हो गई। जामिया के प्रोटेस्ट से उबैद की मौत का कोई लेना देना नहीं है। कुल मिलाकर हमारी पड़ताल में उबैद उर रहमान की मौत की वजह चिकन पॉक्स निकली। उबैद को CAA के खिलाफ हुए जामिया नगर में या जामिया मिलिया इस्लामिया में किसी भी तरीके के प्रदर्शन में आंसू गैस का गोला नहीं लगा था। उबैद बीमार थे, इस बात की तस्दीक उनके दोस्त दिल्ली के LNJP अस्पताल, पैतृक गांव की पुलिस और दिल्ली पुलिस ने की है। उनकी मौत को 15 दिसंबर के जामिया मिलिया इस्लामिया में हुए प्रोटेस्ट से जोड़ना या ऐसा जोड़ता हुआ दावा बिल्कुल गलत है। अगर आपको भी किसी खबर पर शक हो तो हमें मेल करें पड़तालmail@gmail.com पर। हम दावे की पड़ताल करेंगे और आप तक उसकी सच्चाई पहुंचाएंगे। शुक्रिया।